जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम प्लास्टिक स्क्रैप की दो गाड़ियाँ लोड करने वाले हैं एक साथ, और कल हम तीन गाड़ियाँ लोड करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से स्क्रैप के मटेरियल्स, कौन से टाइप के प्लास्टिक्स हम आज लोड करने वाले हैं। इन दो गाड़ियों में हम चार तरह के प्लास्टिक स्क्रैप लोड करेंगे। पहले गाड़ी में लोडिंग होगी पीपी अनयूज्ड मिसप्रिंटिंग बैग्स और उसके साथ प्योर पीपी रिपॉल बैग्स, और दूसरे गाड़ी में हम लोड करेंगे एलडीपी के इंडोथिन बैग्स और उसके साथ एलडी लाइनर और पीपी स्क्रैप बैग्स जो डायरेक्ट मशीन टच होते हैं, गट्ठा बनाने के लिए काम आते हैं, नो झटक मशीन। दोस्तों मेरे भाइयों, इस तरह की आपको ओपन गाड़ी चाहिए, क्योंकि गाड़ी अगर ओपन रहती है और रिप बॉडी से ऊपर बॉडी रहती है तो इससे लोडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और आपका ज़्यादा माल जा सकता है। इस तरह की गाड़ी होने का एक और फ़ायदा ये होता है कि कम ट्रांसपोर्टेशन में आपका ज़्यादा माल जाएगा तो आपको ज़्यादा फायदा हो पाएगा। तो कोशिश करें इस तरह की ओपन गाड़ी ही लें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं आपको स्क्रैप इंडस्ट्री के सारे उतार चढ़ाव और सारे दावपेच सिखाने की प्रयास करूँगा। आपके स्क्रीन के सामने जो आपको ये पीपी बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये हकीकत में मिसप्रिंटिंग बैग्स हैं और ये अनयूज्ड बैग्स होते हैं, इनका वापर नहीं किया जाता है। तकनीकी खराबियों के कारण इस बैग्स पे जो प्रिंटिंग होने चाहिए वो बराबर से नहीं हो पाते, इसके लिए ही इसे स्क्रैप में बेचा जाता है। मार्केट यार्ड में जब फसल काटने की सीज़न आती है तो इसे 10 रुपये से 25 रुपये नग यानी कि पर पीस बेचा जाता है, इतना ज़्यादा इस बैग्स का डिमांड होता है। और हमारे पास ये बैग्स स्क्रैप में अवेलेबल होते हैं। इस वेस्ट बैग को ख़ास तौर पर किसान लेके जाते हैं और साथ ही साथ कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी लेके जाती हैं। आप इस मिसप्रिंटिंग बैग से बहुत पैसा कमा सकते हो कम इन्वेस्टमेंट यानी कि कम कैपिटल लगा के। ये मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाएं तो आपको 85 रुपीज़ केजी से लेके 110 रुपीज़ केजी तक मिल जाता है होलसेल में। दोस्तों आप अपना जल्दी से कैलकुलेटर ओपन करें और मेरे साथ कैलकुलेट करें ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि आप अनयूज्ड मिसप्रिंटिंग पीपी बैग से कितना मार्जिन, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अस्यूम करें कि आपने 90 रुपीज़ पर केजी से हमसे 8000 किलो यानी कि 8 टन माल हमसे मिसप्रिंटिंग अनयूज्ड पीपी बैग्स ख़रीदा है तो आपका परचेज कॉस्ट पड़ता है 7,20,000 रुपीज़। इस फिगर को याद रखिए, भूलिएगा नहीं, यह आगे कई बार कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे 8 टन माल तो हमने ख़रीद लिया पर इसमें कितने बैग्स हमको आए हैं और एक बैग का कितना चार्ज हुआ, इसका अगर आपको एक एस्टिमेट निकालना है तो मैं आपको बता दूँ पर केजी में आपको 7 से 9 मिसप्रिंटिंग अनयूज्ड पीपी बैग्स होते हैं। तो ना हम मिनिमम पकड़ेंगे ना हम मैक्सिमम, हम पकड़ते हैं 8 का फिगर, 8 × 8 टन यानी कि 8000 किलो। तो आपको जो टोटल बैग्स आपके 8 टन माल में आते हैं वो है 64,000, और 64,000 को आपको 7,20,000 जो परचेज कॉस्ट थी उससे आपको डिवाइड करना है तो आपको फिगर मिलता है 11 रुपये 25 पैसा। तो आपको पर बैग 11 रुपीज़ 25 पैसे से पड़ रहा है और 64,000 बैग्स आपको 8 टन के माल में आ जाएगा। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न में रेट वेरी होते हैं, आप मिनिमम 15 रुपीज़ से और मैक्सिमम 25 रुपीज़ पे बेच सकते हैं। तो जो मिनिमम गारंटी प्राइस होता है उससे हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। आप अगर 64,000 बैग्स आप 15 रुपीज़ से बेचते हैं तो 9,60,000 का आंकड़ा आता है, और इससे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके परचेज कॉस्ट से जो है 7,20,000 तो आपका नेट प्रॉफिट 2,40,000 रुपये होता है मिनिमम गारंटी प्राइस से। और अगर आप इसी 64,000 बैग्स को 20 रुपीज़ से बेचते हैं तो 12,80,000 का फिगर आपको नज़र आता है, और अगर आप परचेज कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5,60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलता है। और वहीं अगर आप मैक्सिमम प्राइस में अगर आप इस 64,000 बैग्स को बेचते हैं तो 16,00,000 रुपये का फिगर आता है, और उसमें अगर आप परचेज कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8,80,000 रुपये का फिगर आता है ना, ये अमेजिंग फैक्ट, और ये वाकई में लोग कमाते हैं। आप ही की तरह एक व्यूवर ने हमें गुजरात क्षेत्र से कॉल किया और उसे हमने
9 टन की गाड़ी लोड करके दी, जिसमें 3.5 टन रिपॉल बैग्स थे और बाकी 6 टन मिसप्रिंटिंग अनयूज्ड पीपी बैग्स। एक तरफ जहां पे मैं अनयूज्ड मिसप्रिंटिंग पीपी बैग्स और रिपॉल बैग्स की गाड़ी लोड कर रहा था, और दूसरी तरफ खान साहब पीपी कटिंग वेस्टेज यानी कि कटिंग पीस की गाड़ी लोड कर रहे थे, उसके साथ एलडीपी का इंडोथिन की गाड़ी और एलडी लाइनर की। अब आपके स्क्रीन के सामने जो आपको ये पीपी बैग्स के कटिंग पीस दिख रहे हैं, इसमें अप टू 30% अच्छे बैग्स निकल जाते हैं। ये अच्छे बैग की विक्री भी आप मार्केट में कर सकते हैं। और इस कटिंग पीस पीपी वेस्टेज की खासियत ये होती है, ना इसे झटक मशीन में डालना पड़ता है डस्ट फ्री करने के लिए, ना ही इसे वॉश करना पड़ता है। ये डायरेक्ट मशीन टच होता है, इसे आप डायरेक्ट गला सकते हैं और इसका डायरेक्ट आप दाना बना सकते हैं, जिसे हम ग्रैंडुल्स भी कहते हैं। तो ये होता है पीपी कटिंग वेस्टेज। ये पीपी रफिया से थोड़ा कॉस्टली होता है, पर इसे आप का लेबर और वक्त दोनों बच सकता है। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको प्रीमियम क्वालिटी का एलडीपी का इंडोथिन नज़र आ रहा होगा। ये इंडोथिन बैग्स अभी भी हमारे पास 12 टन अवेलेबल है, और इस गाड़ी में हम 4 टन इंडोथिन बैग्स लोड करेंगे। ये इम्पोर्टेड क्वालिटी है और आप देख सकते हैं ये क्वालिटी प्रीमियम इसके लिए है, क्योंकि ये एलडीपी ही सऊदी अरेबिया में ही बना है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है, पर दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पे है। इसी के लिए एमएस ट्रेडर के फाउंडर और प्रोप्राइटर ने ये निर्णय लिया है कि आपको इस बिज़नेस से जुड़ी सारी जानकारी फ़ोन के द्वारा निःशुल्क यानी कि फ़ी सबिलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ताकि हर एक हमारा भारतवासी, हमारा देश भाई बहन तरक्की कर सके और ख़ुद का उद्योग कर सके। जो मेरे व्यापारी भाई और बहन ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे साथ व्यापार यानी कि बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे से स्क्रैप परचेज करना चाहते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, क्या उसकी प्राइसिंग है, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को सेव करें, व्हाट्सएप में ओपन करें, और व्हाट्सएप पे हमारे प्रोफाइल पे उन्हें कैटलॉग मिल जाएगा। उस कैटलॉग को ओपन करके वो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के प्लांट वेस्ट स्क्रैप अवेलेबल है और क्या उसका MRP है। जो भी मेरे दोस्त स्क्रैप इंडस्ट्री, स्क्रैप बिजनेस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, वो हमें सुबह 11 से 5 के बीच में कॉल करें। अगर हम आपके कॉल को नहीं आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब हम गाड़ी लोडिंग करते वक्त बिज़ी हैं या किसी और काम में मसरूफ़ है, तो आप 2-3 घंटे बाद आप मुसलसल कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम आपका कॉल पिकअप करते हैं, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएं, आप किस क्षेत्र यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट से आप कॉल कर रहे हैं वो बताएं, और क्या जानकारी आपको चाहिए वो बताएं, फिर हम आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं जो हमारे इल्म में है। अब आपके स्क्रीन के सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो पूरा पीपी कटिंग वेस्टेज यानी कि पीपी कटिंग पीस का स्क्रैप है, जो डायरेक्ट दाना बनाने के लिए आप लगा सकते हैं, मशीन टच माल होता है। और हम जो दूसरी गाड़ी लोड कर रहे हैं उसमें LDPE का लाइनर नेचुरल और मिल्की, और उसके साथ LDPE का प्रीमियम इंडोथिन बैग्स, ये हम लोड करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको लोडिंग के लिए लेबर्स चाहिए, पर लेबर के साथ साथ आपको भी लोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको ही स्क्रैप लोडिंग नहीं आएगी तो आप अपने लेबर को कैसे गाइड कर पाओगे? स्क्रैप लोडिंग करने के लिए लोडिंग का हुनर आना अनिवार्य है। अगर आप सही तरीके से लोडिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप आप लिफ्ट कर पाएंगे। अगर आप गाड़ी लोड कर रहे हो और आपको टॉप पे चढ़ना है, तो चढ़ने का सबसे ईजी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ध्यान दे के चढ़ें, क्योंकि अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। सबसे पहले आप इस तरह टायर पे पैर रख लें, फिर यहाँ आप पकड़े, इधर पैर रखें, इधर पैर रखें, इधर हाथ रखें, और फिर कहाँ जाए फिर इधर पैर रखें, इधर पैर रखने के बाद आप यहाँ हाथ रखेंगे, ऐसा पैर आप रुख पे पहुँच गए। अब रुख पे पहुँचने के बाद इस तरह आपको चढ़ना और इसे दबाना है। दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छे से आप दबाएंगे उतना माल वजन बैठेगा, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है।
आपके स्क्रीन के सामने जो आपको इंडोथिन बैग्स नज़र आ रहे हैं, ये बैग्स 3 टन के करीब इसका लोड गया और 4 टन 200 के करीब लाइनर, कुल मिला के गाड़ी लोड हो गई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडोथिन और लाइनर के स्क्रैप हमारे पास महीने में 30 से 40 टन निकल जाता है। तो जो व्यापारी हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं तमाम अपने व्यूवर से कहना चाहूँगा कि हम आपको बिज़नेस से जुड़ी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फीस अवेलेबल देते हैं। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मैं आपका भाई मोहनी शिबनी आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ और फिर मिलूँगा इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।